हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग जो कि सामने रखे इस पैकेट की होने वाली है। ये हमें मिला है अमेज़ॉन से और आज है फ़रवरी की 19th 2022। तो चलें फिर इस पैकेट को खोलते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद नहीं पता है इस पैकेट में क्या है, और आप ही के साथ मैं शेयर करूंगी इसमें क्या है, और बाद में फिर एक और वीडियो में कुछ दिनों के बाद मैं आपसे जो भी इसमें प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि इसमें आया क्या क्या है। ये एक छोटा सा बॉक्स है और ये एक और कुछ, ये शायद ड्रेस मटेरियल लग रहा है, कुछ ऐसा ही है ये पैकेट। तो चलिए फिर खोलते हैं और आप भी इंजॉय करें मेरे साथ इस वीडियो को। अच्छा, तो ये यहाँ लिखा है हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम गोलू। ओके, गोलू दरअसल मेरे बेटे का निक नेम है। दरअसल उसका नाम तो प्रकाश है, बट होता है ना फ्रेंड्स, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस समय जो फर्स्ट वर्ड मुंह से निकलता है तो फिर वही उनका निक नेम हो जाता है। तो ये जब पैदा हुआ था तो बड़ा मोटा था, गोल गोल सा था, तो इसके नाना ने इसको गोलू बुलाया, तो बस ही फिर गोलू हो गया। अभी जब मैं पैकेट खोल रही हूँ तो फ्रेंड्स मन में यही आ रहा है कि विचार कि क्या वाकई पेरेंट्स को बच्चों से कॉस्टली गिफ्ट्स की ज़रूरत होती है, या बच्चों को और पेरेंट्स को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है ज़िंदगी में। आप ज़रूर मुझे अपने विचार इस प्रश्न पर शेयर करना। राइट नाउ बेटा घर से बाहर है और वो घर पे पहुंच नहीं सकता है। पिछले 2 साल काफ़ी टफ रहे मेरे लिए कोविड की वजह से, और फर्स्ट वेव जब आई तो मुझे पेशेंट से ही हो गया था कोविड, और उस समय इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और बहुत बिगनिंग में ही मुझे हुआ था, मार्च में ही, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची और ICU जब मैं जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद ही मैं आखिरी बार अपने बेटा को देख रही हूँ। और कई बार फिर उसके बाद भी मुझे कोविड हुआ, हालांकि मैंने फिर पेशेंट्स देखना बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे ही मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजा करती थी, लेकिन तब से बेटा बहुत डरा हुआ है और उसने कोविड में मेरा काफ़ी साथ दिया। और हालाँकि वो कर इंजीनियरिंग रहा है लेकिन आधा डॉक्टर भी बन गया, वो कोविड केयर डॉक्टर तो वो बन ही गया है। तो ये साड़ी है एंड नेक्स्ट है ये जो पापा के लिए उसने न्यू वॉच भेजी है, उस पर लिखा है एज़ प्रॉमिस्ड। तो साड़ी तो ये है कांजीवरम सिल्क है। अभी इसको खोलती हूँ फिर मैं आपको साड़ी की डिटेल्स भी शो करती हूँ। राइट नाउ साड़ी का जो मैंने देखा है सिल्क बड़ा सॉफ्ट है और वेट भी उसका काफ़ी लाइट है। तो ये क्या होता था ना फ्रेंड्स, बार बार कोविड में बेटे को हमारी ऑक्सीजन चेक करना पड़ती थी, फिर BP चेक करना पड़ता था, फिर कभी हार्ट रेट बढ़ जाता था, फिर कभी सांस में दिक्कत होती थी तो उसको स्टीरॉइड्स देना पड़ते थे, और कभी कभी जब उससे उसको समझ ही नहीं आता था तो मेरे फिजिशियन सर से फ़ोन करता था, तो सर अक्सर बिज़ी होते थे, कभी फ़ोन उठाते थे कभी नहीं, फिर कार में डाल करके फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता था, और फिर सर भागे भागे कार में पार्किंग में ही आकर के मेरे को चेक करते थे, और जो भी उनको एक्स्ट्रा इंजेक्शन्स वगैरह देने होते थे तो फिर वहीं लगते थे। वो सारे फियर्स थे, तो अभी वो सब हालात से हम बाहर आ चुके हैं। तो ये ऐसी कुछ वॉच की बात करता होता था बेटा कि एक इस तरीके की वॉच आती है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी लगा होता है, वो BP की रीडिंग भी बताती है, हार्ट रेट की भी बताती है, और वॉकिंग करने जाओ उसको पहनो तो नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स भी बताती है, स्टेप्स भी बताती है कितने लिए। हम लोग की जनरेशन है ना फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रेडिशनल जनरेशन के लोग हैं, लाइक टाइटन की ही वॉच पहन के हम लोग बड़े भी हुए हैं और अभी तक भी वही पहनते हैं। तो अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं वो, तो फिर अपने पेरेंट्स को वो लोग अपग्रेड करते हैं। ये बोट करके कुछ कंपनी है एंड मैं इसको फिर बाद में मैं आपको इसके सारे पैरामीटर्स बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंसेस। और ये कांजीवरम जो साड़ी है इसका ये वाला पल्लू है, देखें बड़ा खूबसूरत सा इसका पल्लू है, और देखने में आपको लग रही होगी कि हैवी है, बहुत लाइट वेट है ये,
और इसका सॉफ्ट सिल्क है। साड़ी इतनी हल्की है कि इसको पहनकर चलने में, काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड ये इसके अंदर जो स्ट्राइप्स वाला है, ये है इसका ब्लाउज़ मटेरियल। इसको मैं कट करके स्टिचिंग के लिए दे दूँगी और बाकी को पीको करा लूँगी। फ्रेंड्स, अच्छा तो लगता है जब गिफ्ट्स आती हैं घर पे, हर इंसान को अच्छा लगता है जब गिफ्ट मिलती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी पहली, अभी तनख्वाह तो नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग कर रहा है, तो इंटर्नशिप है, उसका स्टाइपेंड है, और उसने जब ये भेजा है तो यकीन माने हम दोनों हस्बैंड वाइफ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं था। और ऐसा हमने भी किया, हम भी घर छोड़ करके, अपने पेरेंट्स को तनहा छोड़ करके गए, बाहर पढ़ाइयाँ करी, नौकरियाँ करी। वाकई इस साड़ी में मुझे अपने बच्चे की हार्डवर्क की तकलीफ़ महसूस हो रही है, नाइट ड्यूटीज़ में उसका जगना और उसकी मेहनत। और इसकी कीमत देखिए 5000 है, माय गॉड। ये होता है आजकल जब बच्चों को पैसा मिलता है तो सबसे पहले वो महंगी महंगी चीज़ें पेरेंट्स के लिए खरीदते हैं। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि पैसे बर्बाद करते हैं, बच्चे हर्ट हो जाते हैं। और ये वॉच देखिए 7990 की है। बस अब बताएं मैं क्या कहूँ ऐसे मामले में।